हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। तो बेसिकली ये स्टॉक वीडियो होने वाली है गाइस। मैंने आप लोग से बताया था कि स्टॉक भी ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैं स्टॉक लेके आई हूँ। स्टॉक लेने में तो गाइस परेशान ही हो गई मैं। मुझे लगा था दिवाली के बाद उन लोग प्राइस कम कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जो प्राइस था महंगा का महंगा ही दे रहे हैं उन लोग। कहीं से मतलब इन्वेस्टमेंट करो तो कुछ प्रॉफिट होता है तब अच्छा लगता है गाइस। बस मैं इन्वेस्टमेंट ही कर रही हूँ, प्रॉफिट मुझे कुछ नहीं हो रही है। आप लोग वीडियोस पे व्यू भी देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कम आ रहा है, इसके वजह से कुछ प्रॉफिट नहीं है मेरा। बट वीडियो डाल रही हूँ तो वो मुझे डालना है, एंड अभी तक मेरा कुछ मतलब मोनेटाइज हो गया उसके बाद वाला प्रोसेस कुछ नहीं हुआ है गाइस। वीडियोस पे व्यूज़ भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं मानती हूँ मैं वीडियो मतलब कंटिन्यू नहीं डाल रही हूँ, बट अब कंटिन्यू वीडियो आएगी। मैं स्टॉक भी लाई हूँ जितने मुझसे हो सका है, बिकॉज स्टॉक मैं अपने पैसे से लाती हूँ। जब मैं पैसे इकट्ठे करती हूँ स्टॉक के लिए, तब जाके स्टॉक लाती हूँ। इस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टॉक हैं, अच्छे अच्छे हैं, तो मैं क्रंच वीडियो भी बनाऊंगी। अभी आप लोग स्टॉक देखो कि क्या क्या है और कितने हैं। सो ये देखो गाइज, यही है कुछ स्टॉक, ये सारे दो तीन आइटम उन्होंने न्यू रखा था तो मैं ले आई, एंड कुछ कुछ उनके पास ख़त्म भी हो चले थे तो उन्होंने बोला मैं बाद में दे दूंगा। ये बिग सॉसर है, बिग सॉसर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साइज में। ये ग्लास ही है लाइक लस्सी वाला, जिसमें लस्सी पीते हैं। ये कुल्लड़ है, ये क्लेपॉट है, ये गुल्लक मीडियम साइज, ये दिया बिग साइज दिया, सॉसर साइज, यस गाइस ये सॉसर है, ये भी सॉसर है मीडियम साइज वाले, ये बिग साइज वाले सॉसर, एंड ये कुल्हड़ छोटे वाले मीडियम वाले कुल्हड़, बहुत ही ज़्यादा ये यमी लग रहे हैं देखने में, एंड ये बिग दिया। तो इतना ही स्टॉक है और ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, इतना ही कम बट कॉस्टली काफ़ी। अगर आप लोग को प्राइस पूछना है तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। ये बिग सॉसर है, आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि नेक्स्ट क्रंच क्या करूं। एंड बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं ये वाले, एंड ये वाले बहुत ज़्यादा देखने में अर्दी है। सॉसर तो हमेशा ही अर्दी होते हैं गाइज। एंड या गाइज, अगर वीडियो में कुछ मेरे से गलत मैं कुछ गलत बोल देती होंगी तो उसे माइंड वर्ट करना गाइज, बिकॉज मैं अभी वीडियो बनाना सीख रही हूँ, बोलना सीख रही हूँ, तो माइंड वर्ट करना प्लीज़। एंड प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो गाइज, वीडियो को प्यार दो, बिकॉज ये बहुत मेहनत से लाती हूँ। बस आप लोग सोच नहीं सकते मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, बट जो भी है आप लोग इन्जॉय करो। मैं इसे वॉश करके दिखाती हूँ। तो मैंने पानी ले लिया गाइज, तो पहले बिग सॉसर वॉश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी लग रही है, थोड़ी सी स्मोकी भी है यहाँ से। चलिए इसे वॉश करते हैं। वाओ, आप लोग ये बताना गाइज कि आप लोगों को ये क्लेपॉट ऐसे ही सिंपल क्रंच पसंद है ड्राई एंड वेट, या फिर कोई पेस्ट वेस्ट के साथ। मुझे तो सिंपल ही क्रंच पसंद है, बिकॉज पेस्ट से वो उसका क्रंचीनेस चला जाता है, अर्धी तो हो जाता है बट क्रंचीनेस नहीं रह जाता उसमें। ये देखो कुल्लड़ है, सारे बहुत ज़्यादा, ये हाफ बेक तो लग रहे हैं, देखते हैं ये क्रंच में हार्ड है ये सॉफ्ट। मैंने फिर से वॉश करके धूप में पहले सुखाती हूँ गाइस, फिर क्रंच करती हूँ। ये देखो गाइस,
ये डिफरेंट है, ये ग्लास है। और ये डिफरेंट टाइप के हैं, शायद इसमें लस्सी जो पीते हैं वो वाले ग्लास हैं ये। इसका ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा बिग है एंड ये पतला सा है। इन्हें जब वॉश करते हैं गाइस तो बहुत ही प्यारा सा एक साउंड आता है। ये मीडियम साइज क्ले पॉट, ये थिन है। पहले तो ये बड़े बड़े होते थे बट ये प्राइस भी इसके बढ़ गए हैं एंड साइज भी छोटे कर दिया है उन लोगों ने। ये गुल्लक यहाँ से थोड़ा सा हार्ड है, ये रेड है, बाकी सारे सॉफ्ट है। तो आप लोगों ने देख लिया गाइस, अब बताना कि क्रंच में क्या करूं। तो ये कुछ थे स्टॉक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, क्रंच वीडियो में। एंड प्लीज़ गाइस थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग चैनल को एंड मेरे वीडियो को थोड़ा प्यार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।